ब्यूटीफुल लुकिंग एप्पल पाई और इसका एकदम क्रिस्पी फ्लेकी बहुत ही खुशबूदार क्रस्ट और उतना ही डिलीशियस इसके ऊपर वाला एप्पल। ये मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। एकदम खस्ता इसका बेस और बहुत ही लेयर्स वाला है। इसके पहले जब मैंने पम्पकिन पाई की रेसिपी शेयर की थी तब मैंने आपसे कहा था ना कि जो लेफ़्ट ओवर डो है उससे मैं क्या बनाऊंगी ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो उस पम्पकिन पाई के लिए हमने जो डो यूज़ किया था उसी का लेफ़्ट ओवर डो से हम आज ये एप्पल पाई बना रहे हैं। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसलिए मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ रेडीमेड डो के साथ जिसके आगे हमें एप्पल पाई बनाना है। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि पाई क्रस्ट कैसे बनाना है और उसके लिए डो कैसे प्रिपेयर करना है तो वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। अभी हम शुरू कर रहे हैं प्रिपेयर डो के साथ हमें एप्पल पाई कैसे बनाना है। और अगर आप पम्पकिन पाई की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तो पाई का जो डो है इसे हम रोल कर लेंगे, करीब करीब 3 mm थिक एक शीट में इसे हम रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद इससे हम जैसे कटा हुआ एप्पल का शेप होता है उस तरीके के शेप में इससे हम पीसेस काट लेंगे। तो ये मैं काट के दिखा रही हूँ, मैं तो फ्री हैंड ही काट रही हूँ। और अगर आप चाहें तो एक प्रोटोटाइप पहले बना लें किसी कागज़ के ऊपर और उससे भी रखकर आप काट सकते हैं। नाइफ़ की सहायता से हम बहुत आसानी से एप्पल का शेप काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका एप्पल का शेप का काट रहे हैं। मैं 5 यहाँ आज बना रही हूँ। और एक बेकिंग डिश के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाकर उसके ऊपर हम इन पीसेस को रख देंगे और छोटा सा एक इसका डंठल जैसा भी बनाकर हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो ये हमारा एप्पल पाई का बेस पूरा तैयार हो गया और अब इसे हम बेक करेंगे। माइक्रोवेव या OTG आप जिसमें भी चाहें उसमें बेक कर सकते हैं। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब करीब 20 मिनट तक इसे हमें बेक करना है। ये बहुत छोटे छोटे से पीसेस हैं तो बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं। और जब तक ये बेक हो रहा है तब तक हम एप्पल पाई का एप्पल तैयार कर लेते हैं। हमने एक एप्पल लिया है, इसे हम बीच से काटेंगे। और इसके बाद इससे हम करीब करीब 2 mm थिक स्लाइसेस काटेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। मेरी इस रेसिपी को देखकर अगर आप एप्पल पाई बनाएं और अपना फोटोग्राफ मेरे साथ शेयर करना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी ये है। आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं या ऐसे भी अगर कुछ पूछना चाहें या बात करना चाहें तो इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम एप्पल से कई सारे स्लाइसेस काट ले रहे हैं लेकिन इसे हमें सेपरेट नहीं करना है, इसको इसी तरीके से रहने देना है। और पूरे स्लाइसेस को हम एक बाउल में रख देते हैं। मैंने आज ये रेसिपी एप्पल के साथ बनाई है, आप अगर कोई और फ्रूट के साथ बनाते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा या फिर कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसा बना। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं पाउडर शुगर। मैंने करीब करीब 1 tablespoon पाउडर शुगर डाला है लेकिन अगर एप्पल बहुत ज़्यादा मीठे ना हो तो आप 2 tablespoon पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। और उसके ऊपर हम डाल रहे हैं 1/2 नींबू का रस, ये थोड़ा सा सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर और साथ ही इसमें थोड़ा सा नटमेग पाउडर भी है, जायफल का पाउडर और थोड़ी सी सूखी अदरक का पाउडर भी है, इसे हम डाल देते हैं। और 1 छोटी चम्मच अनसॉल्टेड बटर। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा मिला लेते हैं और इसे हम एप्पल के ऊपर चारों तरफ से थोड़ा और डाल देते हैं। तो ये एप्पल हमारा रेडी हो गया है, इसे अब माइक्रोवेव करना है। लेकिन पहले हमने एप्पल पाई का क्रस्ट बेक होने के लिए रखा है, उसे निकाल लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। तो ये एप्पल पाई का क्रस्ट बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, अब हम इस एप्पल को भी माइक्रोवेव करेंगे लेकिन सिर्फ 4 मिनट के लिए। 4 मिनट में ही ये एप्पल बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही खुशबूदार भी हो जाएंगे। तो ये एप्पल भी अब हमारे माइक्रोवेव हो चुके हैं और पाई क्रस्ट तो है ही, तो पाई क्रस्ट के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा एप्पल जैम, अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर हम इन एप्पल्स को अरेंज कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छा एप्पल जैसा ही दिखे। आपको अगर ये एप्पल पाई की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। एप्पल के साथ अगर कुछ लिक्विड बचा हो तो उस लिक्विड को भी हम इसके ऊपर डाल देंगे।
इसके बाद इसे हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिर्फ 7-8 मिनट के लिए बेक करेंगे। OTG हो तो ठीक है, माइक्रोवेव हो तो कन्वेक्शन मोड में सेट कर दीजिएगा। तो बहुत ही डिलीशियस हमारा एप्पल पाई तैयार हो गया। और इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए हम थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर स्प्रिंकल कर देते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़रूर देखिए कि पाई का ये डो हमें कैसे बनाना है और पाई क्रस्ट कैसे बनाना है। साथ ही मैं ये भी रेकमेंड करूँगी कि अगर आप पाई बनाना चाहते हैं तो मेरी पम्पकिन पाई की रेसिपी ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए हैं। पम्पकिन पाई की वीडियो का लिंक मैंने शुरू में ही आई बटन में दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगी। और चूँकि हमने जैम लगाया था तो ये एप्पल इस पर बहुत अच्छे से स्टिक कर जाएंगे और बहुत क्रिस्पी तो है ही, और इसका बेस भी देखिए बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया सी एप्पल पाई की ये रेसिपी आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर बनाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाई का डो हमें कैसे बनाना है। ऑल पर्पस फ्लावर हमने लिया है 300 ग्राम्स और इसमें हम पिसी हुई शक्कर मिला दे रहे हैं 100 ग्राम्स और थोड़ा सा मिला लेते हैं। और साथ ही मैंने 200 ग्राम्स बटर लिया है। मैं एक सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, एक प्लेन बटर, क्योंकि हम हर मीठी चीज़ में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं इसलिए सॉल्टेड बटर मैंने यूज़ किया है। पर आप चाहें तो दोनों ही प्लेन बटर ले सकते हैं या दोनों ही सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। बटर को हम डायरेक्टली ग्रेट कर ले रहे हैं मैदे के ऊपर और इसे हम हाथों से नहीं फोर्क से ही मिलाएंगे। अच्छा पाई क्रस्ट बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका हर इंग्रेडिएंट एकदम चिल्ड होना चाहिए। हमने मैदा, चीनी, मक्खन सब चीज़ों को एकदम चिल्ड करके लिया है। इन सारी चीज़ों को कम से कम 2 घंटे तक फ्रिज में ठंडा करके लेना है और हाथों की गर्मी से भी मक्खन पिघल ना जाए इसलिए इसे हम फोर्क से ही मिला रहे हैं। फोर्क से अच्छे से मिलाने के बाद हम मैदा और मक्खन इन सबको हाथों से थोड़ा और मिला देंगे। इसका जो टेक्सचर है ये ब्रेड क्रम्स के टेक्सचर जैसा हो जाएगा। मक्खन जितनी अच्छी तरह से मैदे में डिस्ट्रीब्यूट होगा पाई क्रस्ट उतना ही अच्छा फ्लेकी बनेगा। अब एकदम चिल्ड पानी डालकर इस मैदे को हमें कंबाइन करना है। यहाँ ध्यान रखिए आपको मैदा गूंथना नहीं है, आपको सिर्फ 2 से 4 चम्मच 5 चम्मच तक पानी डालना है, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, और सारा मैदे को इकट्ठा कर लेना है, गूंथना बिल्कुल भी नहीं है। पानी हम इसलिए कम डालते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से पाई बहुत ज़्यादा श्रिंक करता है। जितना ज़्यादा पानी रहेगा पाई क्रस्ट उतना ही बेकिंग के समय श्रिंक करेगा, इसलिए हम कम पानी डालते हैं। अब इस डो को हम क्लिंट फिल्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे हम क्लिंट फिल्म से अच्छी तरह से लपेट देते हैं और लपेट कर इसे हम हाथों से थोड़ा दबा कर थोड़ा एक डिस्क जैसा बना देते हैं। और अब इसे हम रेफ्रिजरेट करने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद इस डो को निकाल कर हम थोड़ा सा ऊपर नीचे मैदा डालेंगे और इसे अब हम रोल करेंगे। इसे हमें रोटी बेलने जैसा नहीं बेलना है, हमें सिर्फ इस डो को फैलाना है। ये डो बहुत ही क्रम्बली सा होगा, ये इधर उधर से टूटता भी रहेगा, टूट जाए तो जोड़ दीजिए, और सिर्फ इसे आपको फैला लेना है। और आपको इसे इतना फैलाना है कि ऑलमोस्ट 3 mm का आपको एक शीट मिले। यहाँ का जो लेफ्ट ओवर डो है इसी से ही हमने आज एप्पल पाई बनाया है। मेरी कुछ केक की रेसिपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेकिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाने से ये पाई क्रस्ट का कलर बहुत ब्राउन सा हो जाएगा